इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल IHRC का इजलास इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता इंसानी हकूक के अलमदार अमन के सफीर पहनावे मशरक शायर और अदीब महक्किक सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर मोहतरम डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे जावेद महमूद रही। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल IHRC का इजलास इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता इंसानी हकूक़ के अलमदार अमन के सफ़ीर कहना मश शायर अदीब महक्किक सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर मोहतरम डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें ईद कुर्बा के मौके पर IHRC के अमरीका से आए हुए नुमाइंदे अशरफ असफ़ानी, स्विट्ज़रलैंड से आए हुए नुमाइंदे फराज़ लियाकत, दुबई से आए हुए नुमाइंदे सुरैया कौसर, जापान से आए हुए नुमाइंदे सैयद अरुजुल हसन, कनाडा से आई हुई नुमाइंदा मैडम अली कौसर, जर्मनी से आए हुए नुमाइंदे ताज आलम सिद्दीकी और दीगर ममालिक के नुमाइंदेगान ने शिरकत करके मोहतरम डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल को अपनी रिपोर्ट पेश की। तकरीब में IHRC मीडिया सर्कल कराची के सीनियर व टीम नुमाइंदेगान आसिफ अक्रम, जावेद महमूद रही, सैयद कदीर शाह, वहीन मंजर, एहतशाम अली, मीर अली गौर बलोच, जुल्फ़िकार अहमद, फ़हीम कुरैशी, इमरान अजीज़, इकबाल अहमद खान, हिना मुश्ताक, फैसल आफ्ताब, मलिक सिकंदर, हारिफ खान, इरफान शेख और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका इजलास ने अपने अपने तासुरात में कहा है कि हम सब फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें मोहतरम डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल की ज़ेर सरपरस्ती काम करने का एजाज़ हासिल है। आपने पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का वक़ार बढ़ाया बल्कि बड़े आज़म एशिया का वक़ार भी बढ़ाया है। आपने अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के इंटरनेशनल आर्टिकल के फ़रोग के लिए कशादा दिली और गोशा नशीनी के साथ काम किया, वो लाजवाब है और आपकी तहरीर करदा किताबें हम सब के लिए मशल रहा है, जिनसे इस्तफादा करके दोरस राहों का तयन किया जा सकता है। जी